तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। स्वागत मैं इसलिए फिर से कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने अभी नानी के घर को छोड़ के अब हम जा रहे दुर्गा स्थान। तो दोस्तों दुर्गा स्थान मैं आपको क्यों बोल रहा था आने के लिए, इसके पीछे एक कहानी है। आपने एक कहानी नहीं, आपने कालिदास के ऊपर कहानी सुना होगा दो तीन तरीके की, जिसमें से एक कहानी ये भी है। जो कालिदास जी थे एक लाइब्रेरी में, मतलब मूर्ख, जो बहुत से लोग बोलते हैं मूर्ख, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, मतलब एक कॉलेज है, उस कॉलेज में वो लाइब्रेरी में काम करते थे। और जो भगवती चेट है वहाँ से कुछ ही दूरी पे नदी पार करके उनको वहाँ पे दिया जलाने का एक काम दिया गया था। तो दिया, उस दिन बारिश हो रहा था तो कोई नहीं जा रहा था, तो कालिदास जी को भेजा गया और उनको ये बोला जा गया था कि निशान देना, आपको चिन्ह देना है। तो चिन्ह के पहचान के लिए, मतलब चिन्ह हम पता कर सके कि उस बंदे ने दिया जला के गया है, उसका सबूत के लिए, तो उसको बोलते हैं कि दीवार पे चिन्ह दे के आना एक काला कलर का। तो वो कालिदास जी क्या करते, माता दुर्गा के ऊपर गलती से, काली माता के ऊपर काला छाप छोड़ देते। तो इस कारण से माता जी रानी उनके साथ प्रसन्न हो जाती है और फिर उनको ज्ञान होने का वर दे देती है। तो इसको बोलती है, माता जी बोलती है कि आपको जिस जगह पे आप हाथ रखोगे, जिस बुक पे आप हाथ रखोगे, आपको उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा, अच्छे से आप उसके ज्ञानी हो जाओगे। तो उन्होंने जाके लाइब्रेरी में हर किताब को छुआ, उसके बाद वो पूरे ज्ञानी हो गए। तो इस विषय में वो हमारे ये दुर्गा जी उच्चेट का मंदिर है, वैसे तो बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके ऊपर, बट मैं आपको फिर भी बोलूँगा आओ और यहाँ पे माता जी के दर्शन करो, आप जो मांगोगे आपको वो चीज़ पूरा हो जाएगा माता जी से। पर ये थोड़ा दूर पड़ेगा आपको, पर आने की कोशिश ज़रूर करना आप लोग, मैं आपको ये बोलूँगा। एक बार दर्शन करिए, यहाँ पे आइए दुर्गा उच्चेट, मधुबनी बिहार बेनीपट्टी के पास है, बेनीपट्टी से कुछ ही दूर पे है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो दिल्ली से दरभंगा आइए, दरभंगा से बेनीपट्टी आइए, बेनीपट्टी से दुर्गा उच्चेट आइए। मैं दुर्गा उच्चेट का पिन कर दूंगा मैप का और वहाँ से आप आ सकते हैं। बाकी मेरे नज़दीकी घर से ही है, तो बस अभी नानी के घर बहुत दिन हो गए थे घूमे हुए, तो नानी के घर से घूम के अब जा रहे हैं हम लोग भगवती उच्चेट। तो आपको मैं सोचता हूँ डायरेक्ट आपको कॉलेज भी दिखाऊंगा दोस्तों, जो उनका कॉलेज था, कॉलेज के नदी पार करके जो जाते थे, और पुल दिखेगा, मैं पुल भी दिखा दूंगा आपको। मैं आपको कोई झूठ नहीं बोला, कहानी है रियल में, और ये कहानी मैंने किसी दूसरे, मतलब मैंने अपने गांव में नहीं सुना किसी से, मैंने ये कहानी जब मैं छोटा था स्कूल में, मैं अपने स्कूल के टीचर से सुना, वो हमारे, मतलब ये कहानी मुझे विश्वास नहीं था, जब मैं अपने स्कूल के टीचर से सुना तो वो हमारे गांव के हैं नहीं, जो टीचर थे वो टीचर थे हरियाणा के, और उन्होंने ये कहानी बताया। और फिर इसके बाद मुझे हमारे बिहार के एक दोस्त थे, तो उन्होंने, उनका राम बालक पासवान था, उन्होंने मुझे ये कहानी बताया, तब मुझे विश्वास हुआ कि रियली ये कहानी है। क्योंकि सोचो कहाँ मैंने हरियाणा के टीचर और कहाँ एक बिहार, अंतर पड़ता है दोस्तों। फिर तब से मुझे इस कहानी पे विश्वास हो गया और इसे आप माता से आप जो मांगोगे वो मिलेगा आपको। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको स्कूल और फिर माता जी का दर्शन कराते हैं, वो स्कूल भी, स्कूल की झलक आपको दिखाऊंगा, वो देख लीजिए, और नदी भी दिखाऊंगा जो पार करके गए थे, जिसे आप समझ जाओगे कि कहानी जो मैं बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल। वैसे आपको जो लगे कहानी है तो कालिदास जी की बहुत है, हर तरह की कहानी है, कौन सी सच है क्या नहीं है, पर मैं तो ये बोलूँगा ये कहानी मुझे बहुत रियलिटी लगती है, जीता जागता सबूत मिलता है इसमें, ठीक है। बाकी वहाँ मिलते मंदिर पे, बाय। और दोस्तों मैंने एक चीज़ बताना भूल ही गया आपको, और आज तो स्पेशल डे भी है, हमारे जितने भी गांव घर के जितने भी लोग हैं अलग अलग गांव से अलग अलग टोल से, भगवती उच्चेट में आज 1008 शिवलिंग बनेंगे, शिवलिंग और पूजा होगी उनकी। मेन कारण मकसद ये भी है, पूजा के लिए भी जा रहे हैं हम, और आपको मैं दिखाना भी चाहता हूँ भगवती उच्चेट का, तो ज़रूर देखिएगा, कंटिन्यू बने रहे वीडियो में। धन्य भेल जिंदगी हमर जे जन्म लेलो मिथिला धाम यो, अक्षय के लिखल मिथिला वर्णन सुनु श्रोता भगवान यो।
भवंडर शांत हो चुका है। देख सकते हैं भाई बहनों, जय धरती पर सिया बहिन आपा हुन छथ श्री राम। जय धरती पर सिया बहिन आपा हुन छथ श्री राम। वह नगर के वासी छी हम पावन मिथिला धाम। वह नगर के वासी छी हम पावन मिथिला धाम। हमर पावन मिथिला धाम, हमर पावन मिथिला धाम। दिवाकर, हेलो। अभी थोड़ा दूर और बचा है, बस पहुंचने वाले। आपको दोस्तों ये गेट दिख रहा होगा, यहाँ पे गेट है, ये यहाँ पहुंचना है हमको, बस कुछ और देर बचा है। दिवाकर अभी चल गया, अभी हार नहीं मानेगा दिवाकर। दोस्तों बस कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं भगवती चेत। हम वहाँ पे आपको 1008 जो महादेव के जो शिवलिंग बनेंगे उनके पंडाल दिखाएंगे आपको, जो पंडाल बने हैं, और हमारे टोल का अलग से पंडाल बने हैं, वहाँ पे हम अपना बनाएंगे शिवलिंग। और जो जो मौका मिलेगा आपको मैं सारा कुछ दिखाऊँगा वहाँ पर, देखने की जो भी चीज़ होगी आपके लिए, दिल से आपके लिए। बहुत चलना नहीं है, बस थोड़ा सा दूर है। दोस्तों ये है श्री श्री 1008 कोटि पृथ्वी पूजन संघ संचड़ी महायज्ञ एवं हवन। तो दो ये है एंट्री गेट यहाँ से, तो वैसे हम पीछे की तरफ से एंट्री गेट पे जा रहे हैं, मतलब पीछे में आपको जो बोल रहा हूँ पीछे का अर्थ आता है, मतलब पीछे की तरफ से भी बहुत चारों तरफ से आने का रास्ता है यहाँ पे। अब और जो मेन रास्ते मेन रोड है वो उधर की तरफ से है, बट हम जो गांव के इलाके से लोग आएंगे वो यहाँ से आएंगे, इधर से एंट्री है। बस पहुँचेंगे थोड़ी देर में आपको वहाँ पे दर्शन कराते हैं और पंडाल सब आपको दिखाएंगे जहाँ पे 1008 महादेव बनाया जाता है। ठीक है, बस पहुँचने वाले। मम्मी वहाँ पहुँच चुकी है, दिवाकर भी, बस थोड़ी और दूर। तो देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, मंत्र चल रहे हैं, मंत्रों के उच्चारण चल रहे हैं, जो
बहुत तेजी से आवाज आ रहा है, सोच सकते मंत्र जो पढ़ रहे हैं ना, मंत्रों के उच्चारण वो स्पीकर से आवाज आ रहा है। गाड़ियाँ देखो आप लोग, किसी भीड़ पार्किंग में ऐतिहासिक समय जवाब ऐतिहासिक सहयोग करो चाहे थी समिति के कार्यालय। दोस्तों पंडाल के पास पहुंच चुके हम लोग, आपको पंडाल में आपको मैं कैमरा करके दिखाता, मतलब फ्रंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा सुंदर सिस्टम हो गया आपको। हम पावन मिथिला धाम, वह नगर के वासी छी हम पावन मिथिला धाम, हमर पावन मिथिला धाम, हमर पावन मिथिला धाम। हम पावन मिथिला धाम, वह नगर के वासी छी हम पावन मिथिला धाम, हमर पावन मिथिला धाम, हमर पावन मिथिला धाम। Thank you.
ओम शिवाहवान मंत्र आरंभ करिष्यते। मृत्युंजय परेशान जगदा भयनाशन तव ध्यानेन देवेश मृत्यु प्राप्नोति जीवति। वंदे ईशान देवाय नमस्तस्मै पिनाकिने रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे। नमस्तस्मै भगवते कैलासाचलवासिने नमो ब्रह्मोन्द्र रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे। त्र्यम्बकाय नमस्तुभ्यं पञ्चस्याय नमो नमः नमो दुर्दण्डचापाय मम मृत्युं विनाशय। स्वरूपाय नमो दिग्वसनाय च नमो भक्तार्त्रिहन्त्रे च मम मृत्युं विनाशय। विनाशनं भयहरं साम्राज्य मुक्तिप्रदं नानाभूतगणान्वितं दिविपदे महेश्वर हरं मृत्युंजय भावये।
उगना रटते रटते वन के बीच हम व्याकुल छी। उगना उगना रटते रटते वन के बीच हम व्याकुल छी। रोगना तू कता गेल आय हम घोर पियासल छी। उगना उगना रटते रटते नहीं चाही गंगा जमुना जल नहीं कोसी केरे जल चाही। रो नहीं चाही गंगा जमुना जल नहीं कोसी केरे जल चाही। आन पिया डबरा केरे पानी तोरे हाथ के जल चाही। रौनी दर्दा कतौ गेले तू रौनी दर्दा कतौ गेले तू आय हम घोर उपासल छी। रौगना तू कतौ गेले आय हम घोर पियासल छी। उगना उगना रटते रटते आक धतूर तोरा हम देबो भांग मंग के आइन देबो। हाँ आक धतूर तोरा हम देबो भांग मंग के आइन देबो। किया रुसल छेरो बोरा हवा तोरा लेल हम जान देबो। अपना छे तू स्वयं बतावा अपना छे तू स्वयं बतावा। तोरा लेल हम पागल छी। रोगना तू कतौ गेले आय हम घोर पियासल छी। उगना उगना रटते रटते फाटल अंबर बनल दिगंबर देह में एकटा को पिन छो। दोस्तों अब आपको और भी जगह दिखाएंगे, एक्सप्लोर करके दिखाते हैं आपको। जितने लोग यहाँ पे पंडाल बन रहा है कितने लोग अपने कितने बनाए सत्यम आपको बताएगा सारी डिटेल्स। अभी सत्यम का वेट करो। तो दोस्तों आप सभी स्वागत है फिर से ब्लॉग में। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सत्यम बताएगा यहाँ पे टोटल अब तक कितने महादेव बन चुके हैं और कितने बनने बाकी है और सबसे नंबर वन पे कौन सा किसका कौन चल रहा है सबसे ज़्यादा, बताइए सत्यम। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, जब तक पूजा समाप्त नहीं, पूजा का तो 11 बजे तक समाप्त हो गया रात को रात्रि के। अभी तो हवन भी स्टार्ट कहीं कहीं हो गया, पूजा समाप्त हो गया, कहीं कहीं हवन भी स्टार्ट हो रहा है। जब पूरा समापन हो जाएगा उसका रिजल्ट आएगा टोटल कितना महादेव का पूजन किया गया, उसके बाद आएगा रिजल्ट बस। तो अभी वेट कीजिए रिजल्ट का। तो अभी अभी क्लियर नहीं है कि किसका कितना कितना महादेव अभी तक तो बना है और कितना बनाया गया कि उनसे गांव से कितना है, तो उसी देर में आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको टूर कर रहा है तो एक बार में पूरा जितना यहाँ पे है पंडाल लगा हुआ पूरा आपको बता देंगे। झर झर बाहे बाबा झरना सपानी को ना हम ऐब बाबा।
से हो नहीं जानी। झर झर पाहे पापा झरना सपानी, को ना हम ऐब बाबा से हो नहीं जानी। पंथों ने सूझैया झहरैया आँखि सनो, दौड़ा दौड़ा भोला बाबा से बक मरल तो। सावन के महीना कम रखवा करे सो, दौड़ा दौड़ा भोला बाबा से बक मरल तो। अपने भरोस होइया देखब हम तोरा, केरा के पात जना डोल मन मोरा। अपने भरोस होइया देखब हम तोरा, केरा के पात जना डोल मन मोरा। कोना कदम पहुँचबे अच भैरव धने पछो, दौड़ा दौड़ा भोला बाबा से बक मरल तो। सावन के महीना कम रखवा करे सो, दौड़ा दौड़ा भोला बाबा से बक मरल तो। बड़ दुख होइया बाबा पंथक ज्योति, जल्दी सखीच बाबा अपने ही डोरी। बड़ दुख होइया बाबा पंथक ज्योति, जल्दी सखीच बाबा अपने ही डोरी। हमरा पाप से भोला बाबा साहस घटल तो, दौड़ा दौड़ा भोला बाबा से बक मरल तो। सावन के महीना कम रखवा करे सो, दौड़ा दौड़ा भोला बाबा से बक मरल तो। शिव शंकर भोले दानी क्षमा मंगई छी तोरे सा, अपराधी पातक हम भारी तै कनई छी नोरे सा। जय शिव शंकर भोले दानी क्षमा मंगई छी तोरे सा, अपराधी पातक हम भारी तै कनई छी नोरे सा।
सब बम भोले, हम चिचिया अब जोरे सा, अपराधी पातक हम भारी तैक नहीं छीनो रे सा। जय शिव शंकर भोले दानी, क्षमा मंगई छी तोरे सा, अपराधी पातक हम भारी तैक नहीं छीनो रे सा। कृष्णा नै पूर भेलै जन्म भेल माया तृष्णा में, से तृष्णा नै पूर भेलै। कामना फिर लहर में बाबा, जीवन हिना दुर भेलै। हे दुख मोचन पार लगाबा, हम दुखिया छी ओरे सा। राउंड घुमा दिया, आप समझ गए होंगे कितना बहुत भारी महादेव का बनाया जा रहा है शिवलिंग 1008, मतलब बनाया तो बहुत ज्यादा जा रहा है। देखेंगे लास्ट में कि किसका कितना ज्यादा बना है, कौन से जगह किस गांव का सबसे ज्यादा महादेव बना गया है। शाम को आपको बताएंगे, सत्यम बताएगा आपको कि कितने महादेव बना गया है। हाँ सत्यम, शाम को बताएगा ना इनको, शाम को रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद देखते हैं क्या चल जाएगा। इसके अलावा ये वीडियो बता दूंगा कौन से गांव ने कितने महादेव बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहली बार यहाँ पे इतना बड़ा महादेव का यज्ञ हो रहा है। और कॉलेज है जहाँ मैं आपको बताया था, क्या बताया था हमने, भगवती उचेट का, भगवती उचेट से हम पीछे की तरफ थोड़े नदी पार करके पुल पार करके जाएंगे तो भगवती उचेट दिख जाएगा आपको। अपराधी पातक हम भारी तैक नहीं छीनो रे सा। जय शिव शंकर भोले दानी, क्षमा मंगई छी तोरे सा, अपराधी पातक हम भारी तैक नहीं छीनो रे सा। ज्योतिश्वर पार लगाबा, नहीं हम जेबा द्वारे सा, अपराधी पातक हम भारी तैक नहीं छीनो रे सा। जय शिव शंकर भोले दानी, क्षमा मंगई छी तोरे सा, अपराधी पातक हम भारी तैक नहीं छीनो रे सा। जय शिव शंकर भोले दानी, क्षमा मंगई छी तोरे सा, अपराधी पातक
पाप हम भारी तैक नहीं छीनो रे सा तैक नहीं छीनो रे सा। अपने सुन रहे छी गंगा कैसे सुधर Thank you.
अंदर चलेंगे बहुत दूर। Oh, my God.
कितने चक्कर काटेंगे? आरती लूंगा, ले लिया तू? ले लिया कब लिया? मैंने उसी दिन लगाया जिसने जब किया। करुणा निदान यो बाबा, हम हूँ आही के सन।
बियाह देखैली गौरी द कहे आहे छटक चलू सख बियाह देखैली गौरी द कहे आहे गौरी द कहे चंपा देख से हो उठबियन संगे चल दिन सांप मयूरिया मुंजक माला गले नाग बिचकारी अहे सांप मयूरिया मुंजक माला गले नाग बिचकारी वर के कारी नाग फुफकारी छोरे रूप डरावन है से गौरी तक मायरे रातिन ना चंपा देख से हो उठबियन संगे चलथिन तो दोस्तों यज्ञ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं भगवती स्ट्रीट। भगवती स्ट्रीट से हम बारे में बताया था ना आपको कॉलेज के बारे में, कालिदास के बारे में। तो कालिदास का यही ऐसे ही कॉलेज का कहानी के तौर पे, बाकी इस कॉलेज के नाम पर कुछ और है। और मैं आपको नदी भी दिखाऊंगा जो नदी पार करके उठाई थी उसका फ्लैवर दिखा दूँगा। ऑफिस के बाद मैं आपको भगवती स्ट्रीट में दिखाऊंगा। बता रहे हैं बहुत भीड़ है वहाँ, बहुत ज़्यादा लोग आए। अगर मौका मिलेगा मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा।